हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन देख कर आए हैं। पोलाराइडोमीटर या कह लीजिए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ केन शुगर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले जब पोलाराइडोमीटर ट्यूब यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है, व्हाट इज पोलाराइडोमीटर? तो व्हाट इज पोलाराइडोमीटर? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर एन एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेटेड बाय ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट रोटेशन, व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? क्योंकि हम स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर रहे हैं केन शुगर का, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस एट अ गिवन टेम्परेचर इज अ रोटेशन इन अ डिग्री ऑफ अ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट पोलराइज बीम प्रोड्यूस बाय वन डेसीमीटर लेंथ ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ यूनिट कंसेंट्रेशन। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो कितना एंगल रोटेट कर देता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, जब उसको 1 डेसीमीटर लेंथ के सब्सटेंस से हम पास करते हैं, और जो कंसंट्रेशन होती है वो भी यूनिट कंसंट्रेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, तो एक बार आप उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? अब हम कह रहे हैं पोलराइजेशन हो जाता है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट कर जाते हैं, बट अब ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, या पोलराइजेशन क्या है सिंपल, या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, उसको समझते हैं। तो नॉर्मली हम अनपोलराइज लाइट को ऐसे बनाते हैं, और ये जो वाइब्रेशन है इस डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे वाइब्रेशन है लाइट के। सिमेट्रिक लग रही है हमें, ठीक है? तो पोलराइजेशन क्या है कि अगर हम इस सिमेट्री को ब्रेक कर दें, ब्रेक क्या हो गई कि सारे वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में होने लगे, मतलब चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो, चाहे मतलब हॉरिजॉन्टल यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर या पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर हो, कोई सा भी एक हो, ठीक है? तो वाइब्रेशन अगर किसी एक डायरेक्शन में हमने चेंज कर दिए, यानी कि हमने सिमेट्री को ब्रेक कर दिया, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन होना। तो द लैक ऑफ सिमेट्री अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो नॉर्मली हम क्या है, इस एक्स डायरेक्शन में लाइट को मूव करते दिखाते हैं, और पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर यानी कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर अभी हम दिखा नहीं सकते हैं, तो हम उसको नॉर्मली डॉट से बनाते हैं। तो डॉट का मतलब क्या होता है, जब हम डॉट लगा रहे होते हैं, डॉट्स का मतलब है कि जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर है, और जब हम ऐसी लाइन बना रहे हैं यानी कि वाइब्रेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ पेपर है। द लैक ऑफ सिमेट्री अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अ लाइट इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फिर आएगा, व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस? अभी हम बोल रहे हैं जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है वो वाइब्रेशन को एक डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, या एक डायरेक्शन में कर देता है, सिमेट्री को ब्रेक कर देता है। तो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है? ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ प्लेन पोलराइज लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स सब्सटेंस। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन या प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के रोटेट कर देता है जब इस सब्सटेंस से हम पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर डिफरेंट ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस? अब हम कह रहे हैं रोटेट कर देता है, तो किस तरीके से रोटेट करता है, उस अकॉर्डिंग हम ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो, और लेफ्ट हैंडेड और लिवो। राइट हैंडेड का मतलब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वाइब्रेशन, तो राइट हैंडेड डेक्स्ट्रो हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड या कह लीजिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है वाइब्रेशन को, तो वो लिवो रोटेटरी सब्सटेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर? तो जो हमारा पोलाराइडोमीटर ट्यूब है उसके अंदर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों होता है, तो क्या काम है? चेंजर ऑर्डिनरी लाइट टू प्लेन पोलराइज लाइट, एंड एनालाइजर इज यूज टू एनालाइज लाइट एमिटेड थ्रू द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। तो पोलराइजर क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को में चेंज कर देता है, जो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट में जो वाइब्रेशन होते हैं वो ऑल डायरेक्शन में होते हैं एक्सेप्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो उससे उसको वो प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देता है। प्लेन पोलराइज लाइट मतलब कि जो वाइब्रेशन हैं वो किसी एक डायरेक्शन में होंगे। और एनालाइजर क्या काम करता है, एनालाइजर काम करता है जो ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस से लाइट आई अब उनको एनालाइज करने का काम करता है। तो नेक्स्ट है, व्हाट इज बाई क्वार्ट्स डिवाइस? इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ लाइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड क्वार्ट्स, which are
सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म अ सर्कुलर डिस्क. तो बाइक्वार्ट्स डिवाइस क्या होती है, बाइक्वार्ट डिवाइस में हाफ हाफ सर्कल में ऐसे एक सर्कल होगा जिसमें ये हाफ सर्कल, सॉरी ये हाफ सर्कल जो होगा वो लेफ्ट हैंडेड का होगा और हाफ सर्कल राइट हैंडेड क्वार्ट्स का होगा और इन दोनों को आपस में जोड़ रखा होगा. नेक्स्ट आएगा हाउ डज स्पेसिफिक रोटेशन डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है. इन सब सब्सटेंसेस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर लाइक टर्पलाइन और वाइल इन क्वार्ट्ज इट इंक्रीजेस. तो स्पेसिफिक रोटेशन टेम्परेचर के साथ इंक्रीज भी होती है डिक्रीज भी होती है डिपेंड ऑन सब्सटेंस. तो अगर टर्पलाइन करके सब्सटेंस है तो उसमें डिक्रीज होगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो, और क्वार्ट्स के अंदर स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होगा. वॉट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, तो स्पेसिफिक रोटेशन को हम एच से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू थीटा अपॉन एल सी होता है. तो उस अकॉर्डिंग हम इसको बता देंगे, थीटा मतलब डिग्री अपॉन एल सी है, तो एल लेंथ होता है, लेंथ यहाँ पे जो पोलारीमीटर ट्यूब है उसकी लेंथ होती है और पोलारीमीटर ट्यूब की जो लेंथ है वो डेसीमीटर में मेजर करते हैं, तो पर डेसीमीटर और कंसनट्रेशन ग्राम पर सी सी होता है, तो ग्राम पर सी सी कंसनट्रेशन का. नेम वन प्रैक्टिकल यूज ऑफ पोलारीमीटर, तो इट इज यूज टू मेजर द परसेंटेज ऑफ शुगर इन सोल्यूशन. तो स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड करने में, शुगर सोल्यूशन की परसेंटेज फाइंड करने में हम पोलारीमीटर ट्यूब का यूज करते हैं. अब कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जैसे वॉट इज बूस्टर लॉ ऑफ पोलराइजेशन. तो बूस्टर लॉ क्या होता है, द टेंजेंट लॉ ऑफ पोलराइजिंग एंगल. तो जो एंगल है पोलराइजिंग एंगल उसको अगर हम उसका 10 ले लें तो वो जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है उस मटेरियल के. तो टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल इन मैथमेटिकली इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल दैट इज म्यू इक्वल टू 10 आई पी. ये बूस्टर लॉ भी है. तो एक बार आपको मैं बता देती हूँ कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे. देखिए ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है जो एक्स है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई है, इससे भी एक्स और वाई से परपेंडिकुलर ये जेड डायरेक्शन है. अब हमने क्या किया, वाइब्रेशंस दिखा रहे हैं, ये वाइब्रेशन है डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वाइब्रेशन की ये वाई और एक्स प्लेन में है. ठीक है, यानी कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पर एक्स वाई है, लेकिन ये वाइब्रेशन किस प्लेन में नहीं आ रहा, जो प्लेन बाकी बचे यानी कि जेड एक्स और जेड वाई प्लेन में ये वाइब्रेशन नहीं है. तो यानी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये प्लेन हो गए. ऐसे ही अगर मैं ये वाइब्रेशन ऐसे बनाती हूँ यहाँ पर डॉट, तो डॉट का मतलब ये जेड और एक्स ऐसे करके था ये वाइब्रेशन. ठीक है, यानी कि जेड और एक्स प्लेन में था ये वाइब्रेशन, यानी कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जेड एक्स प्लेन है, जबकि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बाकी जो प्लेन बचेंगे यानी कि वाई एक्स एंड वाई जेड आर द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. तो अब यहाँ से मैं आगे के क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ क्या है. डिफाइन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं कि प्लेन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या है. मैंने ये वाला वाइब्रेशन बनाया, ये वाइब्रेशन क्या है, अगर मैं यह थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊ तो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, इस डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन. ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है हमारा ये वाई डायरेक्शन में जा रहा है और एक्स डायरेक्शन कंटेन कर रहा है. ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन में वाइब्रेशन है. ठीक है, अगर ये वाइब्रेशन में ऐसे बनाती तो उस केस में ये एक्स जेड डायरेक्शन में वाइब्रेशन होता. तो जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है उसको प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं. उसके अलावा बाकी जो डायरेक्शंस होंगी या प्लेन्स बनेंगे वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बनेंगे. जैसे इस केस में हमारा एक्स और वाई डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसके अलावा जो भी प्लेन्स होंगे वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएंगे. तो कौन कौन से प्लेन बनेंगे, वाई जेड और एक्स जेड. इन प्लेन में कोई वाइब्रेशन नहीं है, तो ये वाले जो प्लेन है इसको हम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे. So the plane of polarization is the plane in which no vibration occur and the plane in which vibration occur known as plane of vibration. The vibration occur at right angle to the plane of polarization.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल रिफ्रैक्शन? व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज अ रिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल ऑफ कैल्साइट, इट गिव टू रिफ्रैक्टिव रेज, दिस फिनोमिना इज नोन एज डबल रिफ्रैक्शन। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जब हम उन पे लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो एक रिफ्रैक्टेड लाइट ना मिलके हमें टू रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं, और इस फिनोमिना को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हाट इज निकोल प्रिज्म? निकोल प्रिज्म इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज मेड ऑफ बाय कैल्साइट क्रिस्टल टू प्रोड्यूस एंड एनालाइज द प्लेन पोलराइज लाइट। तो निकोल प्रिज्म क्या है? कैल्साइट क्रिस्टल से मिलके बनती है, और निकोल प्रिज्म कैल्साइट से बनी होती है, और कैल्साइट क्रिस्टल डबल रिफ्रैक्शन शो करता है। तो मतलब ये डबल रिफ्रैक्शन फिनोमिना को यूज करते हुए इस डिवाइस को हम इस तरीके से मेड करते हैं कि जो इससे आउटपुट पे हमें लाइट मिलती है वो प्लेन पोलराइज लाइट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा स्नेल लॉ बहुत यूज करते हैं, व्हाट डू मीन बाय स्नेल्स लॉ? तो स्नेल लॉस क्या है? द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज लाइट? तो हम पोलराइज और अनपोलराइज लाइट क्या है कि वाइब्रेशन ऑल डायरेक्शन में होगी, सिमेट्री होगी, सिमेट्री नहीं है तो प्लेन पोलराइज लाइट है। व्हाट डू मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट? द प्लेन पोलराइज लाइट इज व्हिच इन विद वाइब्रेशन टेक प्लेस ओनली अलोंग वन स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, व्हाइल अनपोलराइज लाइट वाइब्रेशन टेक प्लेस अलोंग ऑल पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेशन हैं तो वन पोलराइज लाइट है, अगर एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हैं तो वो प्लेन पोलराइज लाइट है। वट आर ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी? ऑर्डनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज, अभी हमने निकोल प्रिज्म की बात की या कुछ मटीरियल्स की बात की जैसे कैल्साइट क्रिस्टल जिसमें डबल रिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पर जो डबल रिफ्रैक्शन पे हमें टू रेज मिलती हैं उसमें एक रे को हम ऑर्डनरी रे बोलते हैं, एक रे को हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रे बोलते हैं। ऑर्डनरी रे किनको बोलते हैं? जो स्नेल लॉस को फॉलो करती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो स्नेल लॉस को फॉलो नहीं करती हैं। तो वॉट आर ऑर्डनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रेज? ऑर्डनरी रेज ओबे स्नेल्स लॉ व्हिच व्हाइल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे डज नॉट ओबे द स्नेल लॉ। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन आए तो कैसे बोल सकते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डू यू मीन बाय राइट हैंडेड एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट हैंडेड ओनली वो रोटेटरी सब्सटेंस? वैसे मैंने वहां पे बताया भी था आपको थोड़ा सा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली बात, फिर से रिपीट कर देते हैं। द सब्सटेंस व्हिच दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन बाय ऑब्जर्वर फेसिंग द इमर्जेंट लाइट इज सेड टू बी राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सिस्टम। जहां से हम देख रहे हैं वहां से हमें वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती दिख रही है, तो वो डेक्स्ट्रो है या राइट हैंडेड है। द सब्सटेंस दैट रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सीन बाय ऑब्जर्वर फेसिंग द इमर्जेंट लाइट इज सेड टू बी लेफ्ट हैंडेड और लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। तो यहाँ से डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। 20th क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल ऑफ अबव टू टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो हमने सब्सटेंस के बारे में बता दिया, अब हमें उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो राइट हैंडेड या डेक्स्ट्रो सब्सटेंस होते हैं जैसे सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर इन अल्कोहल या केन शुगर जो अभी हम जिसका स्पेसिफिक रोटेशन फाइंड कर रहे हैं, ग्लूकोज या सॉल्यूशन ऑफ टैट्रिक एसिड इन वाटर, एमोर्फस टैट्रिक एसिड, डी क्वार्ट्ज। तो डी क्वार्ट्ज याद कर रख सकते हैं, केन शुगर याद कर सकते हैं, ग्लूकोज याद रख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल फॉर राइट हैंडेड सब्सटेंस। और लेफ्ट हैंडेड सब्सटेंस या लिवो लेवेट्रिटी सब्सटेंस है फ्रुक्टोज, निकोटिन, टर्पिटाइन ऑयल और एल क्वार्ट्स। डी क्वार्ट्स एग्जाम्पल है डेक्स्ट्रो का, एल एल वाला लिवो क्वार्ट्स जो है या एल क्वार्ट कह लीजिए लिवो रोटेटरी सिस्टम का। 21 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस? गिव टू और मोर एग्जाम्पल। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस तो आप बहुत सारे बता सकते हैं, वही सब्सटेंस जिसमें पास करने पे लाइट के वाइब्रेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अनरोटेट रहेंगे, जैसे वाइब्रेशन इंसिडेंट के टाइम थे वैसे ही आउटपुट पे हमें मिल रहे हैं।
ऐसे सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस कहेंगे, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे इनएक्टिव सब्सटेंस के, जैसे फ्यूज्ड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज इन अमॉर्फस फॉर्म, कैल्साइट एक्सेट्रा. तो ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस आर दोज व्हेन द प्लेन पोलराइज लाइट पासिस थ्रू देम, इट्स प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रिमेन अनरोटेटेड. दस द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इमर्जेंट बीम इज द सेम एज दैट द इंसिडेंट पोलराइज बीम. द एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस आर फ्यूज क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट एक्सेट्रा. वाई सोडियम लैम्प इज यूज इन अ पोलारीमीटर. और ये ऑलमोस्ट शायद लास्ट स्लाइड है, देख लेंगे इसको. तो सोडियम लैम्प क्यों यूज कर रहे हैं, सोडियम लैम्प क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट देती है और जो है हाईली सेंसिटिव होती है. एस एम रेशियो जो है अच्छा होता है, और लाइट स्पेक्ट्रम की मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ 5890 एंगस्ट्रॉम और 589 नैनोमीटर. तो सोडियम लैम्प इज यूज इन पोलारीमीटर बिकॉज इट गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड गिव्स हाईली एनर्जी आउटपुट, हाईली हाई सेंसिटिविटी एंड एस एम रेशियो. लाइन स्पेक्ट्रम दैट इज गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेव लेंथ 589 नैनोमीटर. और यहाँ पे हम इस स्लाइड को या कह लीजिए इस वाइवा क्वेश्चन सीरीज को एंड करते हैं. होप कि आपको समझ में आया होगा. यहाँ हम पोलराइजेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते थे, हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने थे, तो हमने वो कर लिए हैं. और पोलराइजेशन में अगर आपको कुछ पढ़ना है या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, तो फिर हम उस पर वीडियो लेकर आएंगे. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.